बिहार में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि निदेशक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 750 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, 265 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द भी कर दिए गए हैं। बता दें, यह कार्रवाई खाद बेचने में गड़बड़ी पाए जाने की वजह से की गई है और साल 2020-21 में अब तक पूरे राज्य में 3005 छापेमारी भी की जा चुकी है। कृषि निदेशक आदेश तीतर मारे ने बताया कि खाद बिक्री में गंभीर गड़बड़ी करने वाले 85 विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 1050 विक्रेताओं से जवाब तलब किया गया है। सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की तस्करी को रोकने तथा कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए इन जिलों के जिला पदाधिकारियों को भी सूचित किया गया है। मुख्यालय स्तर से भी जांच दल गठित कर सभी जिलों में भेजा जा रहा है। विभाग से यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में उर्वरकों की बिक्री पॉश मशीन से की जाए। इसके लिए किसान को रसीद भी दी जाती है। कृषि निदेशक ने बताया कि रबी मौसम में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर तक 7.50 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। केंद्र ने 7.30 लाख टन उपलब्ध करा दिए हैं। जनवरी में 2.20 लाख टन की जरूरत के विरुद्ध केंद्र ने 2.20 लाख टन का आवंटन किया है। 21 जनवरी तक 1.64 लाख टन उपलब्ध करा दिया गया है।